गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं हूँ सिविल हॉस्पिटल खरसिया में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है सिविल हॉस्पिटल खरसिया और आज मैं आया हूँ यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, यानी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। आज हम लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और वैक्सीनेशन कराते हैं कोविड-19 का। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो मेरा अनुभव होगा वैक्सीनेशन कराने का, उसको मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है वैक्सीनेशन कराने के बाद। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जो अपना वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ। तो दोस्तों ये जो सामने देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर सिविल हॉस्पिटल खरसिया। ये सीढ़ी है, इसमें से ऊपर चढ़ के हम लोगों को जाना है। देखिए यहाँ पूरा एंट्रेंस आगमन ये सब पूरा लिख दिया गया है, कोविड-19 वैक्सीनेशन। यहाँ वेरिफिकेशन होगा नाम का, उसके बाद फिर सामने आप देख रहे हैं पूरे लोग आए हुए हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। ये सब हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, पहले हम लोगों को लगेगा हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को। यहाँ पूरा लिखा है कोविड-19 का टीका सुरक्षित है। इस तरह से हमारे RHO श्री आलोक जी और सर लोग हैं, सिस्टर्स दुर्गा मानिकपुरी, सब के सब यहाँ हम लोग आज कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, इस तरह से ये है वैक्सीनेशन रूम। जैसे ही हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं उसके बाद ये देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ आधा घंटा तक ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। जैसे कि ये भाई को अभी टीका लगा है। तो गाइस ये है वैक्सीनेशन रूम, आप देखिए मेरे पीछे है। आज मैं भी यहाँ वैक्सीनेशन कराने आया हूँ, अपना कोविड वैक्सीनेशन। तो ये हो गया दोस्तों आज मेरा भी कोरोना वैक्सीनेशन, मैं भी आज प्रतिरक्षित हो गया कोरोना बीमारी से। तो इस तरह से आज ये वैक्सीनेशन कम्प्लीट हुआ। तो अभी मैं हूँ ऑब्जर्वेशन रूम में, टीका लगने के बाद आधा घंटा तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना होता है। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन रूम बना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। इस तरह से दो सिस्टर लोग हैं ऑब्जर्वेशन रूम में ऑब्जर्व करने के लिए और हम लोग हैं यहाँ। तो दोस्तों मेरे साथ हैं श्री आलोक जनार्दन जी। आलोक जनार्दन जी आपको वैक्सीनेशन हो गया? जी मेरा हो गया, आज मेरा ड्यू डेट था वैक्सीनेशन के लिए। हाँ। और मेरे को वैक्सीन लग गया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी जैसे कुछ उल्टपटांग फील थोड़ी हो रहा है? नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं, एक साधारण टीका जो लगता है उसी प्रकार से है, किसी प्रकार की कोई मेरे को परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है ये जो वैक्सीनेशन है। आप भी अगर कराने की इच्छुक हैं तो आप भी करवाइएगा। जो भी मिथ है वो एक मिथ ही है, जितना भी आप जो फैला है अफवाह फैला है, सिर्फ अफवाह है। कोरोना का जो वैक्सीन है एकदम सुरक्षित है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी श्री प्रशांत सिंह जी। सर आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। थैंक यू। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और एक तरह से एक नवाचार भी है। और इसी तारतम्य में हमारे पूरे खरसिया विकास खंड में ये हॉस्पिटल में सेंटर बनाया गया है कोविड वैक्सीन लगाने का। और अभी तक हमारे 130 लोग लगा चुके हैं करके, और हम लोग इसका पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं,
जितने जो भी गलतफहमियाँ या अफवाह फैल रही है हम उसको दूर कर रहे हैं। हमारे पूरे वॉलंटियर, हमारे जितने भी RHO हैं, जो भी हमारे साथ टीम में काम कर रहे थे, उन सबको हम बार बार समझा रहे हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षित है, और वो लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षित है, आप इसको बेफिक्र होकर बिना डरे इस टीका को आप सभी लगाएं। धन्यवाद। किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी सूचना हमको नहीं मिली है, क्योंकि हम लोग एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया हुआ है। जो भी वैक्सीन लगाते हैं वो यहाँ बैठते हैं और उसके बाद एक नंबर उनको दिया जाता है, यदि उनको कोई भी तकलीफ होती है तो उनको बताया जाए, इस नंबर पर तत्काल आप कॉन्टेक्ट करें। और अभी तक जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है अभी तक हमको ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ हो करके। धन्यवाद सर। तो इस तरह से दोस्तों ये टीका जो है एकदम सुरक्षित है, आप भी लगवा सकते हैं जब भी अगर आपको अवेलेबल होगा तो। ये था दोस्तों कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोसीजर। अगर मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।